भगवान को ये बात पता चली तो कहते हैं भगवान ने भौमासुर के उसके राजा के पास गए और उससे कहा, राजन तुम ये गलत कर रहे हो, कन्याओं को छोड़ो। तो कहते हैं वो नहीं माना, कहने लगा मैंने संकल्प ले रखा है, जब तक मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा 20,000 कन्याएं जिस दिन हो जाएंगी मैं इनसे विवाह करूंगा, ये मेरा मन का संकल्प है। मैंने संकल्प ले रखा, मैं राजा हूँ और बिना संकल्प के उसको पूरा करना मेरा नियम है। तो कहते हैं माताओं आज वो भौमासुर भगवान से युद्ध करने लगा और भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। अब हुआ क्या, जो हो उसने अपनी बंदी ग्रह में कन्याओं को वहाँ बंदी बनाकर रखा था, उस कन्याओं को सबको मुक्त करा और कहा जाइए आप जिस जिस राज्य की हैं, जिस जिस देश की कन्याएं हैं, उस देश में किसको पूछो उनको पहुँचाओ। उन्हें जो तुझे उनके उन राज कन्याओं ने हाथ दे दिया। प्रभु ये समाज, ये जो समाज है, समाज हमको कौन अपनाएगा, हमसे कौन विवाह करेगा, आप बताइए। क्योंकि इस भौमासुर के कारागार में बंधन में हम कई वर्षों से रहे हैं, ये समाज हमें अपनाएगा, हमें कुदृष्टि से देखेगा, उनकी दृष्टि ठीक नहीं है, तो हम अपना जीवन जिएंगे कैसे। अब हम यहाँ पर दो ही काम कर सकते हैं, या तो हम अपना प्राणांत कर देते हैं या फिर आप हमें अपना बनाए, दो उपाय, नहीं तो हम आपके सामने इस देह को अपना समाप्त कर देते हैं। ये समाज कुदृष्टि से देखता है, हमने अपने जीवन में कभी गलत आचरण किया नहीं है प्रभु, ये हमारे देह को पता है या परमात्मा आपको पता है, लेकिन इस समाज की कुदृष्टि से कौन बचेगा, कौन इस समाज के मुख को बंद करेगा। समाज ने यही कहेगा ना कि इस राजा के बंधन कितने साल रही है कन्या, कुदृष्टि से देखेंगे। तो कहते हैं उन कन्याओं ने जब ऐसा निवेदन भगवान से किया, भगवान उन पर प्रसन्न हुए। तो कहते हैं 16,100 कन्याएं ये थी, 8 पहले उनका विवाह, इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो।